नमस्कार फ्रेंड एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत है फ्रेंड्स के जनरल सेक्रेटरी श्री चलम ने मेडिकल इंश्योरेंस रिटायरीज के बैंक्स के मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा अट्ठाईस छ को इनफैक्ट वो चाहते थे चाहते हैं कि इस पर जो जी है वो अधिक अमाउंट में लगता है इस जीएसटी का परसेंटेज कम करके को रिलीफ दिया जाए और उन्होंने अट्ठाईस श्रीमती निर्मला सीतारमन को लिखा है प्रीमियम पेएबल ऑन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ बैंक सीनियर रिक्वेस्ट फॉर बेबर रिडक्शन इन जीएसटी दिस हैज रेफरेंस टू माय पर्सनल रिप्रेजेंटेशन टू यू व्हेन आई मेट यू इन योर ऑफिस ऑन सिक्स इंस्टेंट एलॉन्ग विद मिस्टर डी राजा एज रिक्वेस्टेड इन The premium of the medical insurance policy for the bank retirees has been going up year after year. And adding salt to the wound, the GST component to the of the premium has also steeply gone up and hence our request to waiver or reduce the GST on the premium paid on medical insurance policies applicable to the retirees' oblique senior citizens. इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू दैट यू अप्रिसिएटेड दिज रिजनेबलनेस ऑफ द इशू एंड एश्योर टू बेस्टो योर अटेंसन टू द सेम वी वंस अगेन अर्ज अपान यू टू टुक लुक इन टू द मैटर एंड डू द नीडफुल एज यू मे डीम फिट थैंक यू यू मिस्टर वेंकटचलम और इस बारे में उन्होंने जो सोलह तारीख का पत्र है उसको इंडोर्स किया है और उसके हिसाब से एक टेबल उन्होंने दिया है और उस टेबल में ये दिखा जा रहा है कि 2015 में जब हमारा तीन लाख का प्रीमियम 4930 था और फोर लाख का 6573 था तो जीएसटी पेएबल था 690 और 920. हंड्रेड ट्वेंटी एक्डनी ट्वेंटी में इट गाना टू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी वन एंड फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी टू इक्कीस बाईस में फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन एंड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहां पर एक बातें देख ध्यान देने योग्य है कि जब प्रीमियम का अमाउंट बढ़ता गया जीएसटी अट्ठारह परसेंट तो ऑलरेडी है लेकिन जब प्रीमियम का अमाउंट बढ़ता गया तो अकॉर्डिंगली जी एस टी का अमाउंट भी बढ़ता गया यहां पर वेंकट चलम साहब ने जी एस टी जो कम करने की बात कही है वो कुछ उचित भी है लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने वित्त मंत्री से इस बारे में बात नहीं की कि यह प्रीमियम सब्सिडाइज होना चाहिए यानी एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट या टोटल अमाउंट शुड बी बॉन्ड बाई द बैंकर एम्प्लॉयर बैंक एज इन केस ऑफ द एम्प्लाय वर्किंग सर्विस क्योंकि जब तक प्रीमियम का अमाउंट नहीं घटता है जीएसटी अगर थोड़ा सा घटेगा तो उसका ज्यादा इंपैक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा लेकिन अगर वाकई रिटायरीज को रिलीफ देना है तो जीएसटी के साथ साथ इट द प्रीमियम अमाउंट मस्ट बी सब्सिडाइज और अगर पूरा का पूरा बैंक पियर नहीं करती है तो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द प्रीमियम मस्ट बी बॉन्ड बाय द एम्प्लायर बैंक अगर ये रिलीफ यू अथवा ए ए अथवा कोई भी बैंकर्स लीडर नहीं दिलवा पाता है तो रिटायरीज के लिए एक तरह से एक स्थिति आ जाएगी कि जैसे पूर्व में हमारे बहुत से साथियों ने इस मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ छोड़ दिया है और वो भी छोड़ देंगे और एक बात और एक तरह से ये मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम वेलफेयर स्कीम है लेकिन कहें का वेलफेयर इट्स ए इनफैक्ट इट इज ए कमर्शियल डिसीजन बाई द आई बी एंड द यूनियंस अदरवाइज अगर वेलफेयर स्कीम होती तो इट शुड बी द इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर टू द रिटायरीज़ ठीक है थैंक यू फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू